नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग रूल बुक फॉर बिगिनर्स। बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बिल्कुल नए नए फ्रेशर्स आते हैं, अपने नए नए तरीके से किसी अच्छी कंपनी के साथ इन्वॉल्व होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उन लोगों के साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं शुरू में, क्योंकि सबसे टफ टाइम जो होता है वो स्टार्टिंग टाइम होता है, जब आप लोग बिल्कुल नए होते हैं, आपके साथ चैलेंजेस आते हैं, आपको लोग मना करते हैं, आपके साथ जुड़ते नहीं हैं, आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। तो उस चैलेंजेस को कैसे फेस करें, किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को हैंडल करें सो दैट आपके लिए बिजनेस थोड़ा सा आसान हो जाए और आपका ये जो रास्ता है जब तक आपकी अच्छा एक नेटवर्क बनता है वहाँ तक पहुँचने तक आपके लिए चीज़ें स्मूथ हो जाएं। तो आज हम वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, रूल बुक फॉर बिगनर्स, नेटवर्क मार्केटिंग रूल बुक फॉर बिगनर्स। तो आगे चलते हैं। रूल नंबर वन आपका ये होना चाहिए कि क्योंकि आप ये किसी अपनी अपॉर्चुनिटी अगर किसी साथ शेयर करते हैं तो हमेशा आप गिविंग फॉर्म में होने चाहिए। मतलब आप किसी को कुछ देते हैं तो जो एटीट्यूड आपका होता है वैसा एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप किसी से कुछ ले रहे हैं। क्योंकि कायदे से आप किसी को कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे कि वो पैसा कमा सकता है, अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकता है, कुछ चीज़ें अच्छी कर सकता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड अगर आपका रिक्वेस्टिंग होगा कि मेरे साथ काम कर लो, मेरे साथ जुड़ जाओ, बार बार फॉलो अप करना, बार बार उनको फ़ोन करना, ना, आपको एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि अगले को भी लगे कि उसको आपकी ज़रूरत है, ना कि आपको उसकी ज़रूरत है। रूल नंबर वन ये है। रूल नंबर टू क्या कहता है? रूल नंबर टू कहता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हैं तो आपके साथ जो आपके अपलाइन हैं या जो आपके सीनियर हैं आप उनको फॉलो करें, उनकी एडवाइस को 100% माने, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ से उनका बेनिफिट है। तो वो जिस तरीके से आपको बता रहे हैं आप उस तरीके से उनको फॉलो करें। यहाँ पे ये कंडीशन है कि आपके सीनियर भी एक्सपीरियंस होने चाहिए, अगर वो हैं तो आप उनको फॉलो करें और उनके एडवाइस को समझें, सो दैट आप अगर शुरू के आपका जो टाइम है, जो वो स्ट्रगलिंग टाइम है, वो थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको पता होगा आपको क्या करना है, और जब जब आप थोड़ा सा सीख के एक लेवल तक पहुँच जाएंगे उसके बाद आप अपने लेवल से भी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। रूल नंबर थ्री, इट्स अ नंबर्स गेम। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक आदमी को या कुछ लोगों को, मतलब जिनसे हमने प्रेजेंटेशन अभी दी है, जिनको हमने थोड़ा सा अप्रोच किया है, हम उनको कन्विंस करने में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, या हम एक दो जनों के पीछे ही पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको नंबर्स के ऊपर भागना पड़ेगा, आपको क्वांटिटी के ऊपर भागना पड़ेगा, क्वालिटी आपके पास अपने आप आएगी। अगर आप क्वालिटी ढूंढते रहेंगे और क्वांटिटी नहीं अप्रोच करेंगे तो क्वालिटी भी नहीं मिलेगी, ना क्वांटिटी आपकी हो पाएगी। तो आप क्वांटिटी में काम करें, अच्छे लोग आपको खुद मिलेंगे, अच्छे पार्टनर्स आपको खुद मिलेंगे जो आपके बिजनेस को आपके साथ मिलकर बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। तो इट्स अ नंबर्स गेम। नेक्स्ट रूल है, डोंट ओपन ऑल पेजेस इन फर्स्ट शेयरिंग। जब आप पहली बार किसी से बात करते हैं, जैसे आपने किसी को इनवाइट किया कि आओ मेरी प्रेजेंटेशन में, आपने शेयर किया, तो सब कुछ एक बार में बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर आप स्पेशली जब आप फ्रेशर हैं, क्योंकि आप एक बार में सब कुछ बता देंगे तो उसकी जो एक्साइटमेंट है वो प्रेजेंटेशन देखने के लिए वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा एक थोड़ी सी डिटेल दीजिए, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करिए, थोड़ी सी हाइप क्रिएट करिए, थोड़ी सी एडिफिकेशन करिए अपने सीनियर्स की उनके सामने, सो दैट वो जब आए प्रेजेंटेशन देखने तो उनके अंदर एक एक्साइटमेंट हो कि हाँ मैं कुछ बड़ी चीज़ देखने आ रहा हूँ। अगर आप सब कुछ ही पहले बता देंगे तो अगला का इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। रूल नंबर फाइव, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। एडिफिकेशन का मतलब ये है कि अपने सीनियर्स, अपने जूनियर, जिन लोगों से भी आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं आगे या मिलवाने वाले हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें अपने प्रोस्पेक्ट को आप बताएं। जैसे आप अपने सीनियर से अगर मिलवाने वाले हैं तो उनके बारे में आप पहले ही बता दें कि वो बहुत सक्सेसफुल हैं, उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, उनके इतने घर बना लिए, ये गाड़ी है, अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, बहुत अच्छे से टीम हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। ये जितनी भी अच्छी पॉइंट्स हैं बड़े लेवल पे, अच्छे पॉइंट्स आप उनको बताएं, सो दैट अगला कोई गेस्ट आ रहा है आपके पास तो वो कान खोल के और सिंसेयर होके आए कि हाँ मैं किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहा हूँ, उसको सुनने जा रहा हूँ। अगर वो नहीं आएगा तो वो सीरियसली नहीं लेगा अपॉर्चुनिटी को। और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन
आप अगर किसी जूनियर को या अपने कुलीग को भी इनवाइट करते हैं टेस्टिमनी के लिए या अपनी शेयरिंग के लिए, तो उनकी भी अच्छी एडिफिकेशन करनी ज़रूरी है। आपके एडिफिकेशन से ही अगला सीरियसली आपकी बात को सुनता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 6 है, बी अ गुड लिसनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो आप पर्सनल लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस फेस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लिसनर होता है वो समझता है दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को, और दूसरा कंफर्टेबल फील करता है आपसे बात करने के लिए। तो आपका अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। तो लिसनर होने से ये होगा कि आप अगर जैसे अपने प्रोस्पेक्ट को सुनेंगे, अगर वो अपनी बात आपके सामने रख रहा है तो उसकी बात से आप निकाल सकते हैं कि उसको क्या परेशानी है, उसको क्यों ज़रूरत है इस अपॉर्चुनिटी की, उसको यहाँ पे आना क्यों ज़रूरी है। अगर आप उसको सुनेंगे ही नहीं तो उसका वाई, उसका रीज़न आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप उसको इनकरेज करें बोलने के लिए, आप उसके साथ बात करते करते कुछ ऐसे फ्रेजेस यूज़ करें जैसे कि वो कुछ बता रहा है कि हाँ मेरे पास बहुत पैसे की दिक्कत है, मेरा लोन चल रहे हैं, तो आप बोले फिर अच्छा आगे क्या हुआ, कैसे मतलब, फिर आप उनसे बोल सकते हैं कि अच्छा कैसे हुआ, मतलब ऐसे कुछ चीज़ें हाँ ऐसी चीज़ें करें कि अगला बंदा आपसे खुल के बात करे और अपने आप शेयर करे। क्वेश्चन आपकी तरफ से होने चाहिए बट शेयरिंग उसकी तरफ से होनी चाहिए, राइट। आगे समझते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 ये कहता है कि अंडरस्टैंड हिज व्हाई। बिल्कुल, क्यों क्यों वो करना चाहिए, क्यों वो करना चाहता है, उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है कि उसको ये अपॉर्चुनिटी उसको हेल्प कर सकती है। अगर आपको उसका वाई नहीं पता तो आप उसको नहीं अपने साथ कनेक्ट कर पाएंगे, और अगर आपने कनेक्ट कर भी लिया तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वो आपके साथ सीरियसली नहीं काम करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसको काम करना क्यों है। तो उसका वाई अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। उसका वाई कुछ भी हो सकता है, चाहे उसको अपनी गाड़ी लेनी हो या उसको अपनी लाइफ में कुछ सुधार करना हो, अपने लोन चुकाने हो, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए उसने कुछ पैसे इकट्ठे करने हो या कुछ अपनी फैमिली में सपोर्ट करना हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उसका वाई समझना बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 8 ये कहता है डिज़ाइन अ कैलकुलेशन। डिज़ाइन अ कैलकुलेशन मतलब उसके वाई के हिसाब से आप अपनी अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि उसमें एक चीज़ कैलकुलेट होके फाइनेंशियल लेवल पे कैलकुलेट होके दिख जाए कि आप अगर इतने टाइम में इतनी मेहनत करते हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा, तो आप अपने वाई को इससे फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि कोई ना कोई 98% जो रीजंस होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से पैसे से ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो 98% उनके वाई पैसे से कनेक्टेड होंगे, तो आपको अपने आप एक वाई डिज़ाइन उसका कैलकुलेशन के हिसाब से एक डिज़ाइन करना है सो दैट आप उसको रिप्रेजेंट कर सके। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप विद इन द कॉल बात करते ही करते ये कैलकुलेशन आप अपने माइंड में ही बना लेंगे और उसको उसी टाइम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूल नंबर 9 कहता है क्लोज विद इन 12 to 24 आवर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन देने के बाद आप अगर लंबा डिले करते हैं तो उसके माइंड से चीज़ें फेड हो जाती हैं, उसकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, तो 12 to 24 आवर्स के अंदर आप उसको क्लोज करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिले कर रहे हैं, वो अपने आप भूल जाएगा चीज़ों को। और उसका यस लें या उसका नो लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो लेने से पहले आप अपने फॉलोअप जितने भी प्रोसीजर हैं, जितने भी उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, उसके सवालों के जवाब हैं, वो सारे प्रोसीजर आप फॉलो करें। उसके बाद उसका नो भी ले लें तो भी ठीक है। नो लेने से एक होगा कि आपका माइंड वहाँ से हटेगा और आप दूसरे किसी प्रोस्पेक्ट पे फोकस करेंगे। अगर आप लटके रहेंगे तो ना आप दूसरे पे फोकस कर पाएंगे ना उस पे फोकस कर पाएंगे। यस लें, यस लेने के बाद उसको ट्रेनिंग पे डालें, उसको सिखाएं समझाएं, आगे ग्रो करें। नो लें, नहीं तो नो है तो आगे किसी और पे फोकस करें। रूल नंबर 10, टॉक अबाउट अर्निंग्स नॉट अबाउट एक्सपेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ पैकेज कॉस्ट पे बात करते हैं कि यार 10,000 रुपये का पैकेज है, 12,000 रुपये का पैकेज है, $100 का पैकेज है, 100 यूरो का पैकेज है। हम पैकेज कॉस्ट पे बात ना करें, हम उसकी अर्निंग पे बात करें। हमने जो उसका वॉइस सुना है, हमने जो उसकी रिक्वायरमेंट सुनी है, उसके हिसाब से जो हमने उसकी कैलकुलेशन बनाई है, हमें उस पे बात करनी चाहिए ज़्यादा कि दोस्त तू यहाँ पे काम करेगा, मैं तेरे साथ हूँ, आओ मिलके काम करते हैं और 3 महीने में तेरा टारगेट पूरा करते हैं, चलो लगते हैं, उस पे बात करें। अगर आप उस पे बात करेंगे तो जो जॉइनिंग अमाउंट है वो उसको बहुत छोटा लगेगा। अगर आप उसके जॉइनिंग अमाउंट पे बात करते रहेंगे तो उसको वो जॉइनिंग अमाउंट बहुत बड़ा फिगर लगेगा कि यार 10,000 रुपये लगाने हैं, ये तो बहुत बड़ा फिगर है। अगर आप बात करेंगे उसके 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख की अर्निंग के ऊपर, तो उसको ये समझ में आएगा कि 10,000 तो कुछ भी अमाउंट नहीं है और वो कहीं से भी अरेंज करके लगाएगा, अगर उसके पास नहीं भी है तो भी। रूल नंबर 11 कहता है दे विल फॉलो यू। यस, दे विल फॉलो यू।
आपकी हर हरकत को वो ऑब्जर्व करेंगे, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से उससे बिहेव कर रहे हैं, आप कितने प्रोफेशनल हैं, आप क्या ड्रेसअप हो रहे हैं, आप कैसे अपनी टीम को हैंडल करते हैं, आप हेल्पिंग नेचर में हैं या नहीं, आप पंचुअल हैं या नहीं, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, हर चीज़ वो फॉलो करेगा और वो ही करेगा जो आप करेंगे। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं आपकी टीम, आपके फॉलोअर्स, आपके आपके जो साथ में काम कर रहे हैं, आपके एसोसिएट्स अगर आपकी तरह अच्छे से काम करें, तो आपको भी अच्छे से काम करना ज़रूरी है। रूल नंबर 12 कहता है कि सॉफ्ट टारगेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे कोई जॉब नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई डंडा लेके सिर पे बॉस नहीं बैठा है जो आपको बार बार प्रेशर करेगा कि आज आपका काम नहीं हुआ, रिपोर्ट सबमिट करो, ये दिखाओ, क्या करा क्या नहीं किया, आपके टारगेट कंप्लीट नहीं हुए, कुछ नहीं कोई बोल सकता, प्रेशराइज नहीं कर सकता। बट आपको अपनी टीम को हेल्प करते हुए, जब आप उनकी हेल्प करोगे, आप उनके साथ बोलोगे कि हाँ मैं तेरे साथ काम कर रहा हूँ, मैं तुझे सपोर्ट करूँगा, तो आप एक सॉफ्ट वे में, एक फ्रेंडली वे में उनको टारगेट दीजिए। हर बार क्या टारगेट दे सकते हैं कि चलो दोस्त, कल की जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपके कितने गेस्ट आने वाले हैं, लेट्स टारगेट कि 15 से 20 गेस्ट आएँ, या जितना भी आपको टारगेट देना है वो हिसाब से टारगेट दें। और अगर वो गेस्ट नहीं लेके आ रहे, तो आप उनसे सॉफ्टली बैठ के बात करें कि क्या बात हुई, क्यों हुआ, क्या रीज़न है, इतने गेस्ट क्यों नहीं आ रहे, या इतनी क्लोजिंग क्यों नहीं हो रही, इतने फॉलोअप्स क्यों आपके लटके हुए हैं, अभी तक वो क्लोज क्यों नहीं हुए, किसकी पेमेंट क्यों नहीं आई, ये आप उनसे बात करें और फिर उनके सोल्यूशन उनको दें। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 13 कहता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बेसिकली क्या होती है, आपके कितने भी ऑब्जेक्शन जो आते हैं ड्यूरिंग योर प्रोस्पेक्टिंग, आपके इन्विटेशन से लेके आपकी क्लोजिंग तक, वो सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल किस तरीके से करें। तो अपनी टीम को बोलें, हमेशा एक एक्सरसाइज करें, जो भी नया मेंबर आता है उनको बोलो एक एक्सरसाइज करें कि पहले ये फाइंड आउट करें कि आपको ऑब्जेक्शंस क्या आ रहे हैं, उसको नोट डाउन करें, फिर आप उनके सोल्यूशन नोट डाउन करें। अब सोल्यूशन ना एक क्वेश्चन के भी 3-4 तरीके के हो सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं पैसे नहीं दे सकता, तो उसके सोल्यूशन उसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। या तो वो इंसान के पास एक्चुअल में पैसा नहीं है, या वो आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा है, कंपनी को ट्रस्ट नहीं कर रहा है, या उसके पास पैसा बहुत सारा है बट उसको लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, या उसको कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आपको पसंद नहीं करता, या कुछ ऐसा कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आपको उस ऑब्जेक्शन को अलग अलग तरीके से हैंडल करना ज़रूरी है एज़ पर द पर्सन, जो जैसा जिस तरीके से है। तो आपको अपनी टीम को एक्सरसाइज देनी ये ज़रूरी है कि वो हर ऑब्जेक्शन के 3-3 आंसर लिखें, और फिर आप एक टीम मीटिंग अरेंज करें और उन सबके साथ डिस्कस करें कि बताइए आप क्या क्या आंसर है और क्या क्या ऑब्जेक्शन है, फिर आप एक समराइज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किट रेडी करें और वो सबको हैंड ओवर करें, नए गेस्ट जो भी आ रहे हैं, सो दैट उनको पता हो कि अब ये ऑब्जेक्शन आएगा तो इसका जवाब ये है। रूल नंबर 14 कहता है लीडर्स फैक्ट्री। बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ लीडर्स फैक्ट्री। आप यहाँ पे लीडर्स क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आप फॉलोवर्स नहीं, लीडर्स क्रिएट करते हैं। और अगर आप लीडर्स क्रिएट करेंगे तभी आपका नेटवर्क ग्रो करेगा। अगर आप फॉलोवर्स क्रिएट करेंगे तो आप एक लिमिटेड टाइम के बाद आपका नेटवर्क एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा, आप आगे नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो लीडर्स क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डुप्लीकेशन। आप जो चीज़ कर रहे हैं आप डुप्लीकेट करें, ट्रेन करें अपनी टीम को कि वो भी प्रेजेंटेशन देने आए, उनको इनकरेज करें, उनको बोलने का मौका दें, उनको सिखाएं, उनको बोलें कि आप भी कैसे हैंडल करते हैं, आप प्रैक्टिस कराएं उनको, हर चीज़ जो एक लीडर करता है आप उनको उनसे धीरे धीरे करवाएं और उनको उस लेवल तक लेके जाएं। अगर वो लेवल तक नहीं पहुंचे तो सारा काम आप अकेले करते रह जाएंगे और आपकी टीम ग्रो नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, आपकी अगर नेटवर्क बढ़ना है तो आपको लीडर्स फैक्टर क्रिएट करनी है, आपको लीडर्स बनाने हैं। रूल नंबर 15 कहता है कि पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने का, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर आप पेशेंस, और आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप एक लेवल पे आके फेल हो जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। पेशेंस ये कहता है कि अगर किसी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप इन्वॉल्व होते हैं, आप नए लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपने ड्रीम्स जो देखे हैं, आपको जो बताया गया था कि यहाँ पे आप अपने ड्रीम हाउसेज, ड्रीम घर, अपनी ड्रीम सारी पूरी कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है वो ड्रीम आपके छोटे से काम के पूरी हो जाएंगी? नहीं होंगी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा, आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, धीरे धीरे करके पैसा आएगा। तो ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप पेशेंस रखेंगे। और कंसिस्टेंसी मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप जो अपने आप को एक्सरसाइज या अपनी जो एक्टिविटी है उसको आप हमेशा बढ़ाएं, ना कि कम करें। ऐसा नहीं है कि कल को चलो ज्वाइनिंग अच्छी आ गई तो आज हम बैठ गए, नहीं।
आपके आपको फॉलोअप्स करने हैं तो आप एक्टिविटी लिस्ट बनाएं अपनी कि हाँ मेरे को फॉलोअप करने हैं, कल की जो प्रेजेंटेशन हुई थी उससे जो फॉलोअप आए हैं उनको करने हैं, अभी कुछ लोग क्लोजिंग में हैं उनको क्लोज करना है, कुछ लोगों को ट्रेन करना है, अभी कुछ नई टीम ज्वाइन हुई है उनकी स्टार्टअप ट्रेनिंग करनी है, जो भी चीज़ें आपकी एक्सरसाइज है आप कंसिस्टेंटली उसे करें और अपनी एक्टिविटी लिस्ट में टिक करते रहें, नहीं तो आपकी टीम हैंडल नहीं हो पाएगी और वो एक टाइम पे आके आपको छोड़ देगी और आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक स्टार्टिंग में एक नेटवर्किंग इंडस्ट्री में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ये सारे फैक्टर्स को अपने साथ कनेक्ट करेंगे, अपने साथ लर्न करके करेंगे, तो आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी कंपनी के अंदर आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, नहीं तो आप हार जाएंगे और आप फेल हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत अच्छा लगा आपने मेरी वीडियो देखी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।